टिकर अब 8 महीने पहले जहां थे वहीं पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहला लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू कर दी है। इसके मुताबिक अगर आप बिना कारण घर से निकलते हैं तो सीधे गिरफ्तार होंगे। उधर दूसरी ओर आज से एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा शुरू हो रही है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखाकर सेंटर तक आ जा सकेंगे। डीआईजी इरशाद वली ने भी बताया कि भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग प्वाइंट्स लगाए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर भर में 3000 से ज्यादा का पुलिस बल तैनात किया गया है। आज भोपाल में संडे को लॉकडाउन लगाया गया है। केवल जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनका मूवमेंट और यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उनका मूवमेंट अलाउ किया गया। शेष सभी आवागमन जो है वो पूरी तरह प्रतिबंधित। हमारा करीब 3000 का बल लगा हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स पे ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स पे लगे हैं, कुछ चेकिंग पॉइंट्स पे लगे हैं, कुछ जो है ऑल्टर नाकों में रेलवे स्टेशन पे बस स्टैंड पे लगे हैं। अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं ताकि जनता सहयोग मिले। पिछली बार भी अच्छा हम लोगों को सहयोग मिला था, हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी अच्छा सहयोग मिलेगा लॉकडाउन के बाद। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बीते साल के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1307 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। कोरोना की पहली लहर में भी मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल एपिसेंटर बने हुए थे। लॉकडाउन से एक दिन पहले भोपाल में 345, इंदौर में 317 और जबलपुर में 116 नए केस मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे बिगड़ रहे हैं। लोगों ने एहतियात नहीं बरती, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। बीते एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों में 64% की वृद्धि हुई है। बीते 13 मार्च को राज्य में कोरोना के 1740 एक्टिव केस थे। अब ये संख्या 20 मार्च को 7344 तक पहुंच गई है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, एक बार फिर कोरोना की स्थिति प्रदेश में भयावह होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है, जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के ठीक एक दिन पहले 300 से ज्यादा केस भोपाल में मिले हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह आंकड़ा 64% बढ़ चुका है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर काफी गंभीर स्थिति लगातार बनती जा रही है और यही कारण है कि आज लॉकडाउन का फैसला, खासतौर पर 3 जो शहर हैं जो टॉप पर हैं इस समय मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें स्मिता, तो भोपाल में 345 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो मिले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो संक्रमण की दर है किस रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर इंदौर 317 केस मिले हैं और तीसरे नंबर पर जबलपुर हैं जो 116 केस वहां पर मिले हैं। टॉप 3 जो शहर मध्य प्रदेश की कोरोना को लेकर वह भोपाल, इंदौर और जबलपुर। इसके बाद अगर बात करें रतलाम की तो 39 केस वहां पर मिले हैं, ग्वालियर में 37, बैतूल में 35 और खरगोन में 30। लगातार जो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और यही कारण है कि चिंता और चुनौती सरकार के सामने साफ देखी जा रही है और यही कारण है कि आज लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। और इसके अलावा अगर हम 10 शहरों की बात करें मध्य प्रदेश की तो नाइट कर्फ्यू भी वहां पर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अब एक बड़ी चुनौती की संक्रमण को कैसे रोका जाए। हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल स्वयं राजधानी भोपाल के जो पुराना इलाका है, पुरानी जो ओल्ड सिटी है, वहां पर पहुंचे थे और लोगों को समझाइश दी थी और वहां पर जो मास्क लगाए नहीं थे उनको मास्क लगाने की खुद उन्होंने मास्क लगाया था उनको लेकर। दूसरी तरफ लगातार अब ये कहा जा रहा है कि अगर अब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है और यही कारण है कि मास्क को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो बिना मास्क का मिलता है, खासतौर पर उन शहरों में जहां तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। राजधानी भोपाल में लगातार इसको लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है।
इंदौर में इसको लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है और जबलपुर में इसको लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा राजधानी भोपाल की बात करें तो एक जेल भी अलग अलग स्थानों पर बनाई गई है कि चालानी कार्रवाई के साथ अगर मास्क लगाकर आप नहीं निकले हैं तो एक तरफ चालानी कार्रवाई होगी, 500 रुपए का जुर्माना होगा और दूसरी तरफ आपको उस जो जेल बनाई गई है, टेम्परेरी जेल बनाई गई है, वहां पर आपको कुछ समय के लिए रोका जाएगा। जिससे कहीं ना कहीं इस दिशा में आप सोचे और आगे इस तरह की जो लापरवाही है वो ना हो। अगर पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो 1300 से ज्यादा जो पॉजिटिव मरीज है मध्य प्रदेश में मिले हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि जो संक्रमण की दर है वो नीचे जा रही हो, लगातार बढ़ रही है, दिन ब दिन ये रफ्तार बढ़ रही है और 65% से ज्यादा स्पीड से ये कोरोना दर है। तो अब साफ है कि इसको लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे और यही है कि आज 3 शहरों में जिस तरह से राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन किया गया है और इसको लेकर बस यही है कि अब जो सरकार है वो लगातार, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और आने वाले समय में और सख्त कदम सरकार उठा सकती है। लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी अब होना चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी भी अब बनती है कि इस दिशा में वो सोचे, क्योंकि हमने कल राजधानी भोपाल में जिस तरह से स्थिति देखी कि किस तरह से लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार जो दिशा निर्देश है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल अब कि इस बढ़ती हुई रफ्तार को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो अब बहुत ज्यादा लॉकडाउन किया जाए ऐसी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी देखना है, लोगों की रोजी रोटी को भी देखना है, रोजगार को भी देखना है। तो ऐसे में आंशिक तौर पर लॉकडाउन जिस तरह से किया गया है और हफ्ते में एक दिन नहीं माना जा सकता है कि जहां कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है वहां पर एक दिन का लॉकडाउन जारी रह सकता है। आज जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है 30 शहरों में, आगे क्या जो अन्य शहर है वो तेजी के साथ जहां रफ्तार बढ़ रही है वहां क्या लॉकडाउन होगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये सोचने का समझने का वक्त है कि इस दिशा में सोचा जाए, नहीं तो जो रफ्तार है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, 3 शहरों को आज लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, पूरी तरह से ये 3 शहर है, राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन तीनों शहरों को आज पूरी तरह से यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ किया गया है। रामपुर के दौरे पर जौहर